हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बिंदु में। तो आज हम फिर एक न्यू जानकारी के साथ आए हैं मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पेपर में जो जानकारी सब भी, चलिए उसी को पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सरकार बोली 500 करोड़ की फसल हुई बर्बाद, प्रभावित परिवारों को देंगे 91 करोड़। मतलब 91 करोड़ देगी, मतलब ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो वीडियो में पूरा बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सूखे पर इंटरमिस्ट्री सेंटर टीम को राज्य सरकार ने बताया है कि राज्य के 226 प्रखंडों के किसानों के करीब 540 करोड़ खरीफ फसल बर्बाद हुई है। प्रभावित परिवारों को दो दो सदस्यों को मनरेगा के आधार पर 90 दिनों की मजदूरी के लिए करीब 9100 करोड़ रुपये देने हैं। मंगलवार को विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य सरकार ने अपनी डिमांड रखी है। विकास आयुक्त ने बताया कि 21 लाख परिवार सूखे से प्रभावित हैं। केंद्रीय टीम के सदस्यों ने कहा वे फील्ड विजिट के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मतलब वो पहले जांच कर लेंगे, उसके बाद अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर सूखा राहत पैकेज का निर्णय होगा। राज्य में सूखे से हुए नुकसान के संयुक्त सचिव स्तर पर अधिकारी एस रुक्मणी के नेतृत्व में 10 अधिकारियों की टीम झारखंड आई है। मंगलवार को नेपाल हाउस में बैठक हुई। कृषि सचिव अब्दुकर सिद्दीव, कृषि निदेशक निशा उरांव, आपदा सचिव अमिताभ कौशल आदि शामिल थे। तो ये आप लोगों की बहुत अच्छी खबर थी कि 540 करोड़ की फसल के लिए आपको 91 करोड़ मांगे गए हैं। तो अगर इतना मिल जाता है तो आप लोगों को पैसा 3500 से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।